इंदौर जू को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। दुर्लभ माने जाने वाला ब्लैक टाइगर इंदौर जू लाया गया है, जो आने वाले दिनों में आकर्षण का केंद्र बनेगा। जू के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने एसीएन भारत के मैनेजिंग एडिटर अर्शद खान से खास बातचीत में बताया कि अब इंदौर जू देश का एकमात्र ऐसा जू है जहां ब्लैक, येलो और व्हाइट टाइगर मौजूद है। हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह अन्य वन्य प्राणियों की नस्लों को बढ़ाया गया है, उसी तरह ब्लैक टाइगर की नस्ल को भी आगे बढ़ाएं। इंदौर के चिड़ियाघर को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। आज इंदौर के चिड़ियाघर को मिला है ब्लैक टाइगर, जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, इंदौर के चिड़ियाघर में मौजूद है। हिंदुस्तान में एक या दो ही जू ऐसे हैं जहां पर इस तरह का ब्लैक टाइगर मौजूद रहता है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव जी। उनके अथक प्रयासों से, उनकी लगातार कोशिशों के चलते चिड़ियाघर का लगातार उद्धार होता रहा है। यहाँ पर कई तरह के ऐसे वन्य प्राणी आ चुके हैं जो दुनिया में कहीं कहीं पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी उपलब्धि आज फिर आपने हासिल की है, और बड़ी उपलब्धि ये है कि आज आप ब्लैक टाइगर लेके आए, जो मैं समझता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। और ये कहाँ पाया जाता है और हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर इंदौर में कैसे आए? देखिए, ये काफ़ी समय सब लोग प्रयासरत थे, और जब से हमको पता चला था कि नंदन कानन जू में ब्लैक टाइगर, जिसको मेलानिस्टिक टाइगर भी बोलते हैं, उसका बर्थ हुआ है, और बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है ये जो देखने को आपको मिली है ब्लैक टाइगर। और इसको लाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको भी हम लोग फुलफिल करने में लगे हुए थे, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जब दोनों जू तैयार होते हैं एनिमल एक्सचेंज के लिए, तभी चीज़ें शेप लेती है। तो वो सारी चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोगों ने फुलफिल किया है, और उसको फुलफिल करते हुए जो ब्लैक टाइगर की हमारी डिमांड थी, एक हमको उससे ज़रूर उन्होंने नंदन कानन ने दिया है, और हम नंदन कानन जू से आज इंदौर जू में लेके आए। कुछ पक्षी भी आप यहाँ पर लाए हैं, अलग अलग प्रजाति के पक्षी हैं और घड़ियाल भी लाए हैं, ये किसके एवज में लाए गए हैं यहाँ? ये देखिए, हम लोगों ने एक पैर लायन का दिया था, एक पैर भेड़िया का दिया था, और एक फॉक्स दिया था, और तीन घड़ियाल हम लोगों ने ब्लड लाइन एक्सचेंज के तहत दिए थे। तो उसके जो एक्सचेंज हम लोगों को जो मिले हैं, वो एक ब्लैक टाइगर, एक व्हाइट टाइगर, जो काफ़ी समय से अवेटेड था, पब्लिक की डिमांड भी उसको लेकर काफ़ी थी, और हमारे जू में पहले कभी थे भी ये, उसकी हम लोगों ने पूर्ति की है। साथ ही साथ दो गोल्डन फिजेंट, दो सिल्वर फिजेंट के पेयर, और तीन घड़ियाल हमको ब्लड लाइन एक्सचेंज के तहत मिले हैं। ये मेल टाइगर है, इसकी कोई फीमेल नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि आपके यहाँ आप लगातार प्रयास करते रहते हैं कि ब्रीडिंग हो, और ऐसे कई सारे वन्य प्राणी जो कभी ब्रीडिंग नहीं करते थे, यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग हुई है, उनकी नस्लें बढ़ी हैं, तो इसके लिए कोई फीमेल टाइगर मंगाया जाएगा या होता है, या जो अन्य प्रजाति हैं उनके साथ भी ये मीट कर सकता है? हाँ, देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत हम लोगों ने सारी चीज़ें प्लान कर रखी है। एक हमने हमारे दिमाग में खाका तैयार कर रखा है कि किस एनिमल को किसके साथ पेयरिंग करा के कौन सा प्रोबेबली कलर वेरिएंट आ सकता है। अभी हमारे पास कुछ एनिमल ऐसे भी है जो वाइट टाइगर, जैसे कि हमारे पास सिंगल मिली हुई है वाइट टाइग्रेस, हमारे पास मेल ऐसा है जो वाइट जीन पूल को कैरी कर रहा है, कभी उसकी मदर वाइट टाइगर रही होगी, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी आने वाली जनरेशन रहेगी, ऑफस्प्रिंग रहेगी, उसमें वाइट टाइगर, येलो के साथ साथ वाइट टाइगर भी मिलेंगे। इसी तरह से जो ब्लैक टाइगर अपने आप में यूनिक है, और ब्लैक टाइगर का कोई भी वेरिएंट हमारे पास अभी नहीं है। प्रयास ज़रूर रहेंगे कि इसको हम लोग इस तरह के पेयरिंग कराएं कि आने वाली जनरेशन में कुछ हमको ब्लैक मिले, फिर उसको F1 F2 जनरेशन में क्रॉस करा के कुछ कोशिश ऐसी रहेगी कि प्योर ब्लैक टाइगर हमको मिले। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, हम लोग प्रयासरत हैं इसके लिए, और जल्दी से जल्दी अच्छी खबरें जू को, हमारे जू से, अपने इंदौर जू से मिलेगी कि अभी जो मेलानिस्टिक टाइगर, जिसको हम लोग ब्लैक टाइगर बोलते हैं, कोशिश ये रहेगी कि पूरी तरह से ब्लैक टाइगर का जन्म भी इंदौर जू में हो। हम टीवी पर देखते आए हैं तरह तरह के बघीरा वगैरह, इस तरह के कुछ शोज़ आते हैं, कार्टून शोज़ आते हैंगे, उसमें इस तरह के जानवरों को देखा जाता है कि वो ब्लैक टाइगर है या येलो है या एकदम वाइट है। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है या कुदरती तौर पर इस तरह का जन्म ले लेते हैं जानवर? नहीं, देखिए, फिर मैं वही बताऊँगा कि ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। कई बार रिसेसिव जीन, जो हर कलर के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, और वो जीन कभी कभी अपनी डोमिनेंसी दिखा देता, तो फिर वो कलर वेरिएंट आने लगता है सामने। तो ये एक कई बार इनब्रीडिंग में भी इस तरह के केसेस नोटिस में आते हैं, जो कि डिफेक्टिव होते हैं वो, लेकिन जेनेटिक वेरिएंट का जो रिसेसिव जीन के कलर के जो रिस्पॉन्सिबल जीन रहते हैं, उनकी डोमिनेंसी के कारण या तो ब्लैक कलर होगा या येलो कलर होगा या फिर वाइट कलर होगा। तो ये सब जेनेटिक पूल के कारण ही सब सारी चीज़ें चेंजेस होती है, और इसी तरह का कलरशिप आता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इंदौर के चिड़ियाघर के लिए कि एक ब्लैक टाइगर यहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में नहीं होगा, हिंदुस्तान में ये चुनिंदा जगह है, तो वो दूसरी जगह कहाँ है जहाँ पर हिंदुस्तान में एक और जगह पर ये मौजूद है? हिंदुस्तान में सिर्फ नंदनकानन जू में है, और दूसरा हमारा अब इंदौर जू हो गया जहाँ पर ये मौजूद है।
क्योंकि इसकी डिमांड दूसरे जू को भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो उनकी वो पूर्ति नहीं कर पा रहे थे जो उनकी डिमांड थी। इंदौर जू उसके लिए तैयार था और वो सारी पूर्ति भी उन्होंने की, हम लोगों ने की, और इसीलिए हमको ये ब्लैक टाइगर जो यूनिक पीस है, जो अपने आप में एक यूनिक कलर वेरियंट है टाइगर का, जो हमें मिला। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जू में ब्लैक टाइगर भी हो गया, ऑरेंज येलो कलर टाइगर भी हो गया और एक वाइट टाइगर भी हो गया, तो तीनों कलर वेरियंट है इंदौर जू में देखने को मिलेंगे। जो डॉक्टर उत्तम यादव बता रहे थे कि अब इंदौर हिंदुस्तान के उन जू में शामिल हो गए जिसमें तीन कलर के टाइगर्स हैं, येलो भी है, वाइट भी और ब्लैक भी है, और निश्चित रूप से इस टाइगर को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई कुछ अद्भुत चीज़ देखी जा रही है। ये बड़ी उपलब्धि है इंदौर चिड़ियाघर की कि जब कोई नया वन्य प्राणी ऐसा जिसे लोगों ने नहीं देखा है वो यहाँ पर मिल जाता है और बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। इस सबके पीछे है डॉक्टर उत्तम यादव की मेहनत, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इंदौर के चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों को ब्लैक टाइगर के दर्शन होंगे और वो देखकर अभिभूत होंगे। कैमरा पर्सन सतीश गौर के साथ अरशद खान, ACN भारत, इंदौर।